बहुत सारे सामाजिक जो लोग बाग हमारे हैं, पासी हो गए, धानक हो गए, जुलाए हो गए, बाल्मीकि हो गए और रविदासी हो गए, इन सब को इकट्ठा करके बहुजन बनाया था जी। बहुजन पार्टी तो बन गए लेकिन बहुजन नहीं बने। मोर सिंह जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। धन्यवाद जी। मोर सिंह जी, बहुजन समाज के आप बहुत चर्चित चेहरे हैं, बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं, हमें किसी को आपकी तारीफ के मोहताज भी नहीं है। बहुजन समाज के जितने भी लोग होते हैं, अधिकतर वो देवी देवताओं का विरोध क्यों करते हैं वो बताएं। चीज़ अपने चैनल के माध्यम सोशल मीडिया जब से आई है, जब से सारे चीज़ प्रसारण होने लगी है, वरना जितने ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे ये हमारी बातें उठाते नहीं थे। हम तो बड़ा शुक्र गुजार हैं ये इसका कहना मैं आपके सोशल मीडिया के और व्हाट्सअप के और जो नेट आपने दिया है गूगल वगैरह के, हमारी जो बात है वो हर जगह जा रही है। हमारे बच्चे जो पहले वाले थे ना वो नहीं हैं आज। वाल्मीकि समाज के बच्चे इतने सक्षम हैं, आप किसी भी टॉपिक पे उनके बात कर लो, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे तो कमियां हुई हैं, अब हमारे बच्चों से कमियां नहीं हो रही है। हमारे बच्चे हर लाइन में आगे हैं। कुछ मनुवादियों ने जो षड्यंत्र के कारण ऐसा कर दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राइवेट जो है उनको, देखो ना, सर्व शिक्षा अभियान एक चलाया था कपिल सिब्बल जी ने कि 9वीं तक कोई फेल नहीं होगा, और उसी इंडिया में एक प्राइवेट स्कूल था, वहाँ कहते थे इनके माँ बापों के भी इंटरव्यू ले जाएंगे, जब इनके इंटरव्यू ले जाएंगे तो जब इनके उसका कहना में इनका एडमिशन होगा। आप देखिए कॉरपोरेशन नगर निगम के स्कूल जो है उनको बच्चों को पिकनिक पे ले जाते हैं तो चिड़ियाघर क्यों घुमाया जाता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चिड़ियाघर क्यों घुमाते हैं, बिरला मंदिर क्यों घुमाते हैं, ताजमहल क्यों घुमाते हैं, क्यों नहीं राष्ट्रपति भवन ले आते, क्यों नहीं संसद की कार्रवाई दिखाते। दलित समाज जब ये संसद की कार्रवाई या राष्ट्रपति भवन दिखाएंगे तो हमारे बच्चों के ब्रेन में ये चीज़ आएगी कि यहाँ हमने बैठना है, यहाँ हमने हुकूमत करनी है, यहाँ हमने आके अपना राज करना है। तो कितने षड्यंत्रकारी चीज़ हैं लोबाग, ये शिक्षा का स्तर एक होना चाहिए जो इंडिया में नहीं है। यहाँ जो पक्षपात है, मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का स्तर एक सा ही होना चाहिए। कहीं तो 5वीं क्लास से इंग्लिश स्टार्ट है, कहीं नर्सरी से स्टार्ट है, तो जबकि जो उसमें बैठते हैं हम इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पढ़ाई का स्तर दोनों सेम है। अब मातृभाषा हमारी हिंदी है और सारे जो पेपर आते हैं वो सारे आते हैं, आईएएस के जितने पेपर हैं वो सिविल सर्विस के हैं। इंडिया, आपको जानकारी में होगा, सिविल सर्विस के जो हिंदी के जो क्वालिफाई करते हैं 1-2% है, सही है, और इंग्लिश में ज़्यादा है क्योंकि इंग्लिश के वही बच्चे हैं जो दलित समाज के तो है नहीं, जिसको नर्सरी से ही उनके ABC सिखाते हैं। ऐसी क्या वजह है जो 5वीं क्लास से सरकारी स्कूलों में इंग्लिश सिखाई जाती है? तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, इसको षड्यंत्र को हमें समझना पड़ेगा। बच्चे अगर से इंग्लिश ज़रूरी है तो सबके लिए कंपलसरी करें ना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।